हेलो गाइज, वेलकम टू दिस चैनल। जैसे कि यार आपको पता है कि जेई मेन्स 2021 की थर्ड एंड फोर्थ सेशन की जो एग्जाम्स की डेट है वो फाइनली अनाउंस हो चुकी हैं, और कल यानी कि 8 जुलाई इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जानेंगे और आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पे जाना है या किसी भी ब्राउजर पे आप जा सकते हैं और टाइप करना है जेई मेन एनटीए। उसके बाद जो सब सुपर साइट आएगी जेई मेन डॉट एनटीए डॉट एनआईसी डॉट इन, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको जेई मेन फिल न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ से आप साइन इन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ये बॉक्स को चेक करना है, देन क्लिक हेयर टू प्रोसीड। उसके बाद ये सारी डिटेल्स हैं, इनको आपको फिलअप करना होगा। इस कैंडिडेट नेम जो भी हो आपका नाम उसे आप देख लीजिए। देन फादर्स नेम, देन मदर्स नेम जो भी हो, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, दो हजार एक जो भी हो आपकी डेट ऑफ बर्थ उसके अकॉर्डिंग भर लीजिएगा। देन जेंडर, इसके बाद आइडेंटिटी टाइप, जो भी आपकी आईडी हो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसका नंबर, इसके बाद एड्रेस आप अपना फिलअप कर लीजिए। देन सिटी टाउन या विलेज जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कंट्री इंडिया कर लीजिए, स्टेट जो भी आपका स्टेट वो देख लीजिए। देन डिस्ट्रिक्ट आप फिलअप कर लीजिए, पिन कोड जो आपका पिन कोड हो को आप फिलअप कर लीजिए। देन अल्टरनेट नंबर ये ऑप्शनल है, बट ईमेल एड्रेस आपका जरूरी है फिलअप करना। उसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर ध्यान दीजिएगा सही होना चाहिए आपका, क्योंकि सारी जो जेई मेन्स की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इसी नंबर पे आएगी। देन एड्रेस, ये सब कुछ अगर सेम है तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर दीजिए। चूज पासवर्ड, पासवर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका पासवर्ड है उसकी लेंथ 8 कैरेक्टर से लेके 13 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा जो ABCD है वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में होना चाहिए, और न्यूमेरिक वैल्यू की बात करें 0, 1, 2, 3, 4 की तो ये भी होना चाहिए। इसके अलावा स्पेशल सिंबल्स सच एज एट द रेट है, ये सब होना चाहिए तो देख लीजिएगा। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी सिलेक्ट करना आप कर लीजिए। उसके बाद ये कैप्चा को है इसको फिलअप कर लीजिए, 4758FY, देन सबमिट कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन इंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस फाइनल सबमिट बटन फॉर फाइनल सबमिशन। तो क्लोज कर देते हैं इसको। देन अगर आपकी ये इन्फॉर्मेशन सही है जो आपने फिलअप किया है तो ये चेक बॉक्स को आप चेक कर दीजिए। उसके बाद आई एग्री कर दीजिए। अब आप फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन कहीं गलत हो गई है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके उसको सही कर सकते हैं। तो हम फाइनल सबमिट कर दे रहे हैं, यस कर दीजिए। उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। देन ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपकी एजुकेशन वगैरह है ये आप फिलअप कर दीजिए जो रह गई है। तो देख लेते हैं, नेशनलिटी इंडियन। उसके बाद स्टेट देख लीजिए जहाँ से आपने 12th पास आउट किया है। इसके बाद कैटेगरी, आप जनरल जनरल ओबीसी हैं तो ओबीसी या SST जो भी हैं आप। इसके बाद अगर आप PWD हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। देन नो,
प्लेस ऑफ रेसिडेंस, रूरल टू रूरल, नए अर्बन कर दीजिए जो भी हो। मोड ऑफ प्रिपरेशन, मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इंग्लिश हम के ले रहे हैं। अप्लाई फॉर बीटेक या जो भी आपका कोर्स है वो कर दीजिए। अब सेशंस फॉर एग्जाम अप्लाई फॉर, अप्रैल में दोनों कर दीजिए या अप्रैल कर दीजिए, जो भी आपकी चॉइस हो। क्वेश्चन पेपर मीडियम, आप क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम है वो किस में चाहते हैं, तो हम इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर चाहते हैं। इसके बाद ये सेंटर्स हैं, तो पहली चॉइस हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हो, और जो सिटी है वो आप कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने रुड़की सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेकंड चॉइस ऐसे ही आप कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, देन थर्ड चॉइस देख लीजिए मध्य प्रदेश जो भी है। इसके बाद जो आपकी 10th की एजुकेशन है उसके बारे में देख लीजिए, पास्ड कर दीजिए यहाँ। ईयर ऑफ पासिंग अपियरेंस, जो भी आपका ईयर है, जिस ईयर आप 10th पास किए हैं वो देख लीजिए। क्वालिफाइंग एग्जाम 10th इक्विवेलेंट कर दीजिए। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, रूरल है तो रूरल, वन अर्बन है तो अर्बन कर लीजिए। अब टाइप ऑफ स्कूल, स्टेट गवर्नमेंट है, इसमें जो भी स्टेट था उसको आप फिलअप कर लीजिए। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कर लीजिए। स्कूल बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड था वो। रिजल्ट मोड, परसेंटेज, परसेंटेज कर लीजिए। अगर आपका 600 का टोटल था और उसमें 500 नंबर आए हैं, ठीक है, तो ये मार्क्स अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे। रोल नंबर देख लीजिए, जो आपका रोल नंबर 10th का था, स्कूल कॉलेज का नाम, ठीक है, पिन कोड उसका जो भी था। अब ये 12th की इंफॉर्मेशन, इसको आप जल्दी से फिलअप कर लीजिए। 12th में अगर पास है पास कर दीजिए, वरना अगर अपियरिंग तो अपियरिंग कर दीजिए। अब ईयर आप पासिंग 2020 कर दीजिए। क्वालिफाइंग एग्जाम, देन प्लेस ऑफ स्कूलिंग, रूरल या अर्बन जो भी था। टाइप ऑफ स्कूल, कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट या जो भी केंद्रीय विद्यालय, प्राइवेट जो भी है उसको आप देख लीजिए। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, जो भी स्टेट है आपका, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट जो भी है। अब स्कूल बोर्ड, रिजल्ट मोड देख लीजिए, परसेंटेज, परसेंटेज कर लीजिए। टोटल मार्क्स, जैसे 500 का टोटल था उसमें से 400 नंबर आपके आए हैं, तो परसेंटेज आपका अपने आप जनरेट हो जाएगा। रोल नंबर, जो इंटर का आपका था। अब स्कूल का नाम देख लीजिए, स्कूल कॉलेज पिन कोड यहाँ आप फिलअप कर लीजिए, ठीक है। अब आर यू ट्यून, अब आप जुड़वा हैं या यस या नो, नहीं तो नहीं कर दीजिए। ये पेरेंट्स इनकम डिटेल्स, ये ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहते हैं भर लीजिएगा। अभी कैप्चा कोड फिलअप कर लीजिए, 26, देन सबमिट कर दीजिए। अब यही कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन सही है तो आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा ना, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डेटा पे क्लिक कर लीजिए। तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन सही है तो आप इन चेक बॉक्स को चेक कर लीजिए। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि जो आपका फोटोग्राफ है वो विदाउट मास्क होना चाहिए, और इसका साइज जो है 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये JPG फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं और डन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सिग्नेचर है उसकी फाइल आप सबमिट कर लीजिए, डन कर दीजिए। अब सबमिट एंड प्रीव्यू कर दीजिए। अब ये जो चेक है इसको चेक कर दीजिए बॉक्स को। उसके बाद ये सिक्योरिटी जो कोड है इसको फिलअप कर लीजिए, 50, देन आई हैव वेरीफाइड अपलोडेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। अब आप
जो जनरल कैटेगरी में जो आपकी फीस है वो 1300 रुपये है, इसको आप पे कर सकते हैं पे एग्जामिनेशन फी। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। आर यू श्योर, ओके कर दीजिए। देन जो भी आपका बैंक है उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे हम SBI के थ्रू कर रहे हैं। इसके बाद ये कुछ ऑप्शन हैं, जैसे नेट बैंकिंग, बैंकिंग कार्ड पेमेंट्स, ये अदर पेमेंट मोड्स में UPI, हम UPI देख ले रहे हैं। अब UPI में आप VPA या QR कोड के थ्रू कर सकते हैं, तो हम QR कोड पे जा रहे हैं। अब ये QR कोड जो जनरेट हुआ है इसको आप मोबाइल से स्कैन कर लीजिए और फी पेमेंट कर सकते हैं। ये टाइमर देख सकते हैं चल रहा है, जो कि 3 मिनट बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।